इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है सुदेश कुमार। दोस्तों, हम कर रहे थे DFA डिज़ाइन, TOC के अंदर DFA डिज़ाइन सबसे पहले हमने किया था और आज भी DFA के डिज़ाइन के ऊपर ही हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगी। ये क्वेश्चन है, डिज़ाइन ए मिनिमम DFA ओवर द स्ट्रिंग्स ऑफ ए बी सच दैट एवरी स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड मस्ट। ये होती है लेंथ, W की लेंथ यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ, लेंथ इक्वल टू 2 मोड 3। दोस्तों ये क्या होता है, इसको देखते हैं थोड़ा सा हम। इसका मतलब होता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेंथ बराबर रिमाइंडर मोड n। इसका मतलब है कि अगर हम किसी को n से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर ये आना चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी वैल्यू को 3 से भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 2 आना चाहिए, यानी कि शेष 2 बचना चाहिए। उसी तरह से हम इसको करते हैं। अब जैसे कि इसमें रिमाइंडर कितना आ सकता है, 3 का रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 3 का आएगा 0, 1, 2। क्योंकि रिमाइंडर जो होता है, जैसे कि अगर n वैल्यू है तो n वैल्यू का रिमाइंडर क्या आएगा, n माइनस वन यानी कि एक कम। उसी तरह से 3 का रिमाइंडर क्या आएगा, 3 का रिमाइंडर आएगा 0, 1 और 2 यानी कि एक कम, 3 वैल्यू से एक कम यानी कि 2 तक, 0, 1, 2। जैसे कि यहाँ देखते हैं 0, 1, 2, ये तो इसका रिमाइंडर आएगा ही आएगा। इनको कहते हैं 3 का रिमाइंडर यानी कि एक वैल्यू कम। अब दोस्तों हमें एक ऐसी मशीन बनानी है जो किसी भी वैल्यू को 3 से भाग करे और 3 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है वो 2 आए। तो इस तरह की हमें DFA यहाँ पे डिज़ाइन करनी है। तो 3 किस किस वैल्यू को भाग करने पर, 3 से किस किस वैल्यू को भाग करने पर रिमाइंडर 2 आता है उसको देखते हैं। एक तो 5 को अगर 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, उसके बाद 8 को करेंगे हम 3 से भाग तो रिमाइंडर 2 आएगा, उसके बाद हम 11 को करेंगे तो भी रिमाइंडर 2 आएगा, और 14 को करेंगे यानी कि 14 को करेंगे तो भी रिमाइंडर आपका 2 आने वाला है। तो दोस्तों मशीन हमें डिज़ाइन करनी है कि जो भी वैल्यू, जिस भी वैल्यू को हम 3 से भाग करें उसका रिमाइंडर आना चाहिए 2। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको एक बात और बता देता हूँ मैं, जो हमारा मोड होता है, मोड के बराबर तो बनती हैं यहाँ पे स्टेट्स, मशीन के अंदर जितनी भी स्टेट्स बननी है मोड के बराबर बनेंगी, और जो फाइनल स्टेट होने वाली है मशीन के अंदर दोस्तों वो होगी 2 नंबर की, यानी कि जो रिमाइंडर होता है वो तो फाइनल उस पर तो हम फाइनल स्टेट लगा देंगे, और जो मोड 3 है इतने नंबर की यहाँ पे स्टेट्स बनाएंगे। जैसे कि देखिए, देखते हैं इसको, हमने बनाई क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, उसके बाद Q1 स्टेट, उसके बाद Q2 स्टेट, और फिर ये यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट होगा, क्यू नॉट होगा Q1 पे और Q1 होगा Q2 पे। दोस्तों अब यहाँ पे हम देखिए, हम इसको जो क्यू स्टेट है इसको हम रिमाइंडर मान के चलते हैं, जैसे कि रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो 2 नंबर का रिमाइंडर है, 2 नंबर का रिमाइंडर, उसको हम फाइनल स्टेट यहाँ पे बनाएंगे। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ मशीन की लेंथ देखनी है, सिंबल से यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें एक लेंथ देखनी है। यानी कि क्यू नॉट से अगर हम जाएंगे रीड करेंगे ए बी सिंबल को तो हमें मिलेगी लेंथ 1, और Q1 पे पहुँचेंगे। Q1 से अगर ए बी रीड करेंगे तो हम पहुँचेंगे Q2 पर, और Q2 पर दोस्तों ये फाइनल स्टेट होने वाली है, और फाइनल स्टेट से फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे फिर ए बी रीड करेंगे तो हम दोबारा से पहुँच जाएंगे Q0 पर। अब देखिए यहाँ पे लेंथ कैसे मिलेगी हमें, लेंथ हम किस तरह से मिलेगी, लेंथ मिली हमें 3, और 3 से हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलने वाला है 2। अब देखिए मशीन कैसे काम करेगी, यहाँ से Q0 से स्टार्ट होगी, 1 पे गए, फिर 1 को एक्सेप्ट नहीं किया, फिर हम आए 2 पे, 2 को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि 3 को अगर हम 2 को अगर हम 3 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आने वाला है 2, फिर उसके बाद 3, 4, 5 5 पे एक्सेप्ट हो जाएगा, 5 को अगर हम 3 से भाग करने वाले तो भी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2, उसके बाद 5 के बाद 6, 7, 8 8 को हम भाग करेंगे तो भी उसका रिमाइंडर जो है वो 2 आएगा 3 से अगर भाग करते हैं, उसके बाद 9, 10, 11 11 को 3 से भाग करते हैं तो भी रिमाइंडर 2 आने वाला है। इसी तरह से ये मशीन अपना काम करती रहेगी। तो इसमें क्या होगा, इस मशीन में कि जो भी जिस भी स्ट्रिंग को या जिस भी वैल्यू को हम 3 से भाग करेंगे
उसका रिमाइंडर 2 आने वाला है इस मशीन के ज़रिए। तो दोस्तों इसमें हमें सिर्फ लेंथ देखनी थी, यहाँ पे हमें ए और बी जो सिंबल हैं इसका इसके बारे में नहीं देखना था, हमें सिर्फ लेंथ देखनी थी कि अगर कोई सिंबल आता है तो हम पहुँचेंगे Q1 पे Q0 से, उसके बाद Q1 से पहुँचेंगे फाइनल पे, और फिर यहाँ से फिर दोबारा से हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, इसको देखते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें क्या है कि लेंथ है, लेंथ इक्वल टू रिमाइंडर मोड रिमाइंडर 3 मोड 4, यानी कि किसी भी वैल्यू को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 आने वाला है। तो दोस्तों 4 से हम किसी को भी भाग करेंगे तो उसके जो रिमाइंडर मोस्टली कितने बन सकते हैं, 0, 1, 2, 3, ये आपको याद कर लेना क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपके बहुत काम आने वाला है। यानी कि n माइनस 1 होता है, मैंने अभी बताया था, तो 4 के रिमाइंडर कितने हो सकते हैं, n माइनस 1 का क्या मतलब क्या होता है, 3, यानी कि 3 से पहले वैल्यू क्या, 2, 1, 0, यानी कि n माइनस 1 करेंगे तो 0, 1, 2, 3, ये 4 के रिमाइंडर होने वाले हैं। तो अब इस मशीन को देख लेते हैं कि जो यहाँ पे मोड होता है उतनी तो स्टेट्स बनेंगी हमारी मशीन के अंदर, और जो यहाँ पे रिमाइंडर होता है उस नंबर की स्टेट पर यहाँ पे फाइनल स्टेट लगने वाली है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मोड 4, तो यहाँ पे Q0 4 स्टेट बनाएंगे, Q0 के बाद बनाएंगे यहाँ पे Q1, उसके बाद Q2, उसके बाद Q3, और दोस्तों हम फिर से वापस यहीं पे जाने वाले हैं, एरो का निशान भी लगा देते हैं इस पर। अब देखिए ये मशीन किस तरह से काम करेगी, ये मशीन उन सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी जिन स्ट्रिंग को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता हो। देखिए Q0 से हम पहुँचे, ए बी रीड कर सिंबल रीड करके पहुँचे हम Q1 स्टेट पर, Q1 से पहुँचे हम Q2 स्टेट पर, Q2 से पहुँचे हम Q3 स्टेट पर, और दोस्तों Q3 स्टेट यहाँ पे फाइनल होने वाला है, Q3 स्टेट यहाँ पे फाइनल होने वाला है क्योंकि अगर हम 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही रिमाइंडर इसका आएगा। उसके बाद हम फिर से Q0 पे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले 1, 2, 3 यहाँ पे 3 पे हमने फाइनल स्टेट लगाई, यानी कि 3 एक्सेप्ट होने वाला है, 3 वैल्यू एक्सेप्ट होने वाली है। 3 को अगर 4 से भाग करेंगे तो 3 ही रिमाइंडर आएगा। उसके बाद 4, 5, 6, 7, 7 को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, 7 भी यहाँ पे एक्सेप्ट होगा क्योंकि 7 को अगर 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। उसके बाद 8, 9, 10, 11, तो 11 को भी यहाँ पे रख लेते हैं, 11 को एक्सेप्ट करेगी ये, 11 को भी अगर हम 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 आने वाला है। उसके बाद 12, 13, 14, 15 को भी यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद 16, 17, 18, 19 को भी यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह से दोस्तों ये मशीन आपकी काम करती जाएगी और ये उन वैल्यूज़ को प्रोवाइड करा देगी जिन वैल्यूज़ को डिवाइड करने पर, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट हुआ, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को, इसमें क्या दिया गया है, इसमें लेंथ है इक्वल टू रिमाइंडर 1 मोड 5, यानी कि 5 से भाग करने पर किसी वैल्यू को रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो इसको भी कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि जितना मोड होता है उतने नंबर की तो यहाँ पे स्टेट्स बनाएंगे हम, और जो रिमाइंडर होता है उस नंबर की स्टेट पे हम यहाँ पे फाइनल स्टेट लगाने वाले हैं, तो आपकी मशीन एकदम से सही काम करेगी। देखिए Q0 यहाँ से गए हम, सिंबल ए भी रीड किया Q1 स्टेट पर, और उसके बाद Q2 स्टेट पर सिंबल ए भी रीड किया, उसके बाद Q3 स्टेट पर, उसके बाद Q4 स्टेट पर, और उसके बाद दोबारा से दोस्तों हम यहीं पे जाने वाले हैं। अब देखिए मुझे आप बताइए कि इसमें फाइनल स्टेट कौन सी बनने वाली है, तो इसमें फाइनल स्टेट बनने वाली है आपकी Q1 स्टेट, क्योंकि हमें रिमाइंडर में Q1 पूछा है। अब देखिए मशीन किस तरह से काम करेगी इसको भी देख लेते हैं, हमें सिंबल यहाँ से रीड हुआ, यहाँ से प्राप्त हुआ, यहाँ से हम चले आगे 1, तो यहाँ पे 1 वैल्यू हमें मिलने वाली है, 1 वैल्यू मिलने वाली है, और 1 को हम अगर 5 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 ही आएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 5 के रिमाइंडर कितने होंगे, n-1, यानी कि 5 से 1 कम, यानी कि 4 तक उसके रिमाइंडर होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ये इसके रिमाइंडर होंगे। हर एक वैल्यू के रिमाइंडर इसी तरह से होते हैं। उसके बाद मशीन यहाँ से 1 रीड करने के बाद, 1 लेंथ चलने के बाद आगे चलेगी, 2, 3, 4, 5
और 6, 6 पे आके यहाँ पे एक्सेप्ट होने वाली है। दोस्तों 6 को 5 से भाग करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे 11 मिलने वाला है, एक्सेप्ट होने वाला है। उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 16 वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों ये मशीन आगे आपका काम करता रहेगी, करती रहेगी। तो दोस्तों मैंने कोशिश की आपको इसको समझाने की इजी वे में, बिल्कुल बहुत ही सिंपल वे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।